मेरी सारा बहुत उदास हो गई है एकदम से, बहुत उदास है और रो रहा है। मैं भी उदास हूँ पर मैं रो नहीं रही, बट ये दोनों बहुत ही ज्यादा अटैच्ड हैं वीडियो से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उनके कहा से ठीक होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह सभी ठीक ठाक। इफ न्यू टू माय चैनल एंड इफ यू नॉट सब्सक्राइब टू व्हाट आर वेटिंग फॉर, सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर लाइक एंड नॉट कमेंट्स। आज के वीडियो आप लोग कैसा लगा एंड द बेल आइकन तक न्यू वीडियो अपलोड की नोटिफिकेशन मिलते रहे। आज है ट्यूसडे और बस जैसे कि एज यूजुअल स्कूल गए हुए या काम पे गए हुए, मैं घर पे हूँ और मुझे लगी है भूख। दोपहर का टाइम हो रहा है, 12 बज गया और आजकल जो है मेरा दिल कर रहा है कुछ रोज ही नहीं कि कल भी मैंने स्पाइसी ही खाया था नूडल्स का, स्पाइसी नूडल्स लिटरली गाइस, और आज भी मेरा वही दिल कर रहा है स्पाइसी नूडल्स खाने का, तो हम वो खाएंगे विद सम फ्रूट चाट। जैसे क्या कॉम्बिनेशन है ना, मिर्ची और मीठा साथ साथ, तो कोई नहीं। लेकिन तो अगर फ्रूट चाट है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बच्चे स्कूल लेके चले गए, मेरे ख्याल से फ्रूट चाट नहीं है, तो चलो कोई बात नहीं। एनीवेज तो ये खाती हूँ और चाय जो है या जी के साथ पियेंगे, वो जब शाम को आ जाएगा ना काम से, तो उसके साथ पीती हूँ चाय। अकेले चाय पीने का दिल नहीं कर रहा। दिस इज माई ब्रेकफास्ट ऑफ द डे, स्पाइसी रेमन नूडल्स और कल का जो सालन थोड़ा सा बचा हुआ था और एक रोटी। तो मैं करती हूँ मेरा लंच एंजॉय विद सम एपिसोड्स, सो आई विल सी यू गाइस लेटर। जानी चाय पीनी है तो फिर बनाओ। हाँ, देन मेक इट। नो देन आई एम किडिंग, आई विल मेक इट because I wanted chai in afternoon, but then I thought, you know what, when you come home then we'll have evening tea together. Yeah, I'm a good wife, you know. Mm-hmm. I'm a good wife, aren't I? Mm-hmm. Aaj khane mein hai, girao acha hai, ye bhi record hua hai camera mein aur ye ab saboot hai ki you are the one jo hamesha girati hai, hamesha, like every single time. Maine deny nahi kiya. तो खाने में दाल चावल साथ में ना, मैंने फजर से मंगवाए हैं ये कबाब मिक्स। इसमें जो है ना बीफ का वो है, मीट है, फ्रेंच फ्राइज है एंड सैलड है, ड्रेसिंग है, यम्मी। मेरा फ्रेंच फ्राइज खाने का भी बहुत दिल कर रहा था। या तो फजर को भी फ्रेंच फ्राइज खाने, तो मैंने भी खाने, तो हमने सोचा फिर यही खा लेते हैं, तो यम्मी यम्मी। आप खाएंगे ये कबाब मिक्स? नहीं भी, पहले वो तो खा लो जो खा रही हो। मेरी सारा बहुत उदास हो गई है एकदम से, क्योंकि हमारी जो दोनों बिल्लियाँ हैं हम उन्हें दे रहे हैं, वो दोनों बिल्लियाँ जा रही हैं, तो आज ही जा रही हैं, इस वक्त जा रही हैं, तो ये जो है ना बहुत ज़्यादा जो है उदास हो गई, बहुत ही ज़्यादा, तो इसलिए मेरी बीबी रो रही है। इट्स ओके मेरा बच्चा, कोई बात नहीं, एटलीस्ट दे विल हैव नाइस समवेयर एल्स, है ना। Thank you.
रहते सोते हो ना, बहुत उदास है, रो रहे हैं। मैं भी उदास हूँ पर मैं रो नहीं रही, बट ये दोनों बहुत ही ज्यादा अटैच हूँ वीडियो से। बिल्लियों के जाने के बाद सारा का मूड थोड़ा ठीक हो गया, लेकिन फजर का मूड अभी भी बहुत खराब है, और क्योंकि दोनों बहुत उदास हैं इसलिए दोनों स्कूल से कल छुट्टी भी कर रही हैं। क्या बात है, बस वो है कि हाँ, बस वो है कि रोने लगी, रो रो ड्रामा मेरा। चलो लेटो सोने के लिए, इसको अब ये कह रही है कि बिल्लियां नहीं है ना, तो इसको ना इसके ये जो वुल्फी है ना, इसके जैसा डॉगी चाहिए। वुल्फी है ना, वही बहुत है। लेटो सारा। दोनों बिल्लियों को इसलिए दिया है क्योंकि पिछले साल से अगस्त सितंबर से जो हम लोग ट्राई करते थे कि बिल्लियां चली ना, क्योंकि एक तो ट्रैवल करने में जो है काफ़ी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि जो कैट होटल या कैट गेस्ट हाउसेस हैं या एनिमल होटल्स हैं वो बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं। सेकेंडली अब जो मेरी हेल्थ हो गई है ना, जो आप लोगों को भी पता है मेरी हेल्थ का, तो उस वजह से जो है ना मैं सफाइयाँ नहीं कर पा रही थी, बिल्लियों का ध्यान नहीं रख पा रही थी, घर मेंटेन नहीं रख पा रही हूँ, आप लोगों ये भी आप लोगों को पता ही है। तो इस वजह से जो है बेस्ट ऑप्शन यही था बिल्लियों के लिए भी, हमारे लिए भी, कि बिल्लियों जो चली जाती इसलिए भी इसलिए आज चली गई, और बच्चे बहुत रोए हैं। शाम में जो हम लोगों ने चाय पीनी थी मैंने या इन्हें साथ बैठ के, वो हम रात में पी रहे हैं, रात के सुबह 10 बज रहे हैं। तो इसलिए वो इसलिए क्योंकि वो लोग आ गए थे बिल्लियों को लेने के लिए शाम में, तो हम लोग उसमें मसरूफ़ हो गए, फिर मैं बच्चों में मसरूफ हो गई। दोनों बहुत उदास हैं, रो रही हैं, अभी भी रो नहीं रही हैं बट उदास बहुत है। स्पेशली फजर जो है ना बहुत ज़्यादा फील कर रही है, बहुत उदास है फजर। तो एनीवेज नाउ उनको ज़रा टाइम देते हैं, दोनों लड़कियों को भी ज़रा काम डाउन होने में। मैं तो बिल्लियों के जाने से ऑब्वियसली खुद भी उदास हूँ, लेकिन थोड़ा सा रिलैक्सेशन भी है कि घर के काम ज़्यादा नहीं होंगे करने वाले। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि जब आपके पास पेट्स होते हैं तो फिजिकली जो है काम काफ़ी बढ़ जाता है, आपको टाइम भी काफ़ी पेट्स को देना पड़ता है। टाइम देने में तो इतना मेरे ख्याल से इशू नहीं होता है, लेकिन यस फिजिकली जो सफाइयाँ जो होती हैं, जो काम बढ़ जाता है। मेरे पास कोई हाउस हेल्प तो वैसे उस तरह से है नहीं जैसे कि पाकिस्तान में अवेलेबल होती है, यहाँ पे उस तरह से अवेलेबल नहीं है, तो हम ही है जो करते हैं, तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो फजर भी कितना ही करे, उसका भी स्कूल है, तो इसलिए बेस्ट ऑप्शन यही था कि वो बिल्लियाँ जो है हम दे दें। जब आगे इंशाल्लाह इन फ्यूचर जब बड़ा घर होगा और बेटर सिचुएशन होगी फिजिकली भी फाइनेंशियली भी, तो इंशाल्लाह हम लोग दोबारा कोई पेट ज़रूर लेंगे, लेकिन इस वक्त जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो एनीवेज इसी के साथ जो है मैं ये वीडियो खत्म करती हूँ, आप लोगों को मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द निकी दुनिया। स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव, डू व्हाट यू वांट टू डू, पॉजिटिव लिविंग, लेसन्स ऑफ पॉजिटिविटी टुगेदर। अल्लाह हाफिज़, शब बख़ैर, शुभ रात्रि एंड खुश रहिए और प्यार बांटिए।